ठीक। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि दिवाली का सीजन इज गोइंग ऑन, और दिवाली के सीजन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है डेकोरेशन। लेकिन अब डेकोरेशन की नई सीरीज आ गई है। डेकोरेशन सिर्फ सिंपल नहीं बचा है। पहले जो डेकोरेशन होते थे ट्रेडिशनल डेकोरेशन होते थे, उसमें से हम लाइटिंग खरीदे थे, सीधा प्लग इन करते थे और इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब कुछ ऐसी डेकोरेशन आ चुकी हैं जिसमें आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, यानी आपके घर पे बिजली आए ना आए डोंट मैटर, ये प्रोडक्ट आपका ग्लोइंग करेगा, ये लाइटिंग चलेगी। तो उसी सीरीज में हमारा पहला वीडियो आपके लिए आ चुका है, और इसमें है ये खास चीज़, और वो है हमारा एक मशाल। जी हाँ, मशाल राजाओं वाला। तो चलिए इसको हम अनबॉक्स करते हैं और इसको बॉक्स में से बाहर निकालते हैं। तो आ गया एक हमारे पास बॉक्स, और ये बॉक्स जो है वो हार डोल की तरफ से आने वाला बॉक्स है। इसकी सबसे खास बात है कि पहली बात कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसमें मुझे एक भी पैसा कौड़ी नहीं मिला है, और इसमें एक थोड़ा सा नोट्स है और ये डब्बा है। बाद में हमारा जो मेन प्रोडक्ट आ रहा है, हमारा मेन बॉक्स आ रहा है, वो इस तरीके का दिया हुआ है हार डोल की तरफ से, अच्छे से खूब पैक करके दिए हैं। हार्डोल एक कंपनी ऐसी है जो सोलर लाइट बेचती है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मेरे पास हार्डोल की हैं। इसके पीछे रीज़न भी है कि ये काफ़ी सस्ता बेचते हैं, और बाकी लोग का जो प्रोडक्ट होता है उस पर कोई ऑफर वगैरह आते नहीं, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ये दो मशाल, दो लाइट्स हमने खरीद रखे ऑलरेडी, एक ये हो गई हमारी और दूसरी ये हो गई। मशाल को फ्लेम लाइट बोलते हैं, तो यहाँ पे फ्लेम लाइट, इसको सोलर फ्लेम लाइट करके आप सर्च करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो इस तरीके से है कि 1.2 वाट का है और 5.5 वोल्टेज के हैं, 1200 एमएच की बैटरी लगी है, और इसमें 72 पीस एलईडी बल्ब्स लगे हुए हैं। साथ में इसकी हाइट 73 सेंटीमीटर जो 31 इंचेस के आसपास है, और 6 से 8 घंटा चार्ज करेंगे, 8 से 10 घंटा चलेगा, और IP65 का वाटरप्रूफ है, यानी कि नॉर्मल बारिश में जो पानी बरसा है उसमें ये आराम से वाटरप्रूफिंग कर देगा। तो सिंपली ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इससे पहले कि आपकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो, हम इसे बॉक्स में से बाहर निकाल लेते हैं। बॉक्स में से बाहर देखते हैं क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें बना कर दी है, और जान के आपको हैरानी होगी कि ये मुझे लगभग 1600-1700 के आसपास में दोनों चीज़ मिल गई थी, जबकि ये सिंपली 2000 के आसपास का एक होता है, लेकिन 1700 में ही मिल गई थी। चलिए बॉक्स में से बाहर निकालते हैं। ओहो, ये देखिए इतनी बड़ी सी मशाल, साथ में और क्या दूसरी चीज़ आती है, ये पैकेट है इसके अंदर, और तीसरे है ये स्टैंड, और एक है यूज़र मैनुअल। यहाँ पे यूज़र मैनुअल्स इंग्लिश में लिखा है, चाइनीज़ में नहीं लिखा है, वैसे तो ये चाइना के प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ चाइनीज़ से आती हैं। और सिंपली इसमें करना क्या होता है, ये इनका क्या थॉट होता है कि आप इसे एक तरीके से यहाँ पे लगाएंगे एक साइड में, और सेकंड साइड में यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देंगे, ए दैट्स ऑल, ये हो गया आपका। और ऑन ऑफ का एक देखिए, यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन देकर रखा हुआ है, यहाँ से ऑन ऑफ होगी ये लाइट। और ये लाइट की क्वालिटी यही होती है कि ये लाइट जो है वो दिन में ग्लो नहीं करती हैं, सिर्फ रात में ग्लो करती हैं। तो अब हम ये क्या करना है, अब ये हमारा एक आ गया है, इसको हम दूसरा भी लगा लेते हैं। तो ये दो लाइट्स हमारे पास हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, बड़ी ही प्यारी सी लग रही है, पुराने ज़माने की फील आ रही है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दो ऑन ऑफ के बटन दिए हुए हैं, तो हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। ये रूल होता है कि इस लाइट की जो मेन मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी ये लगती है कि रोज़ आपको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये लाइट सेंसिटिव होती है, दिन भर ये लाइट बंद रहेगी, शाम होते ही ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। और अब इसकी जो प्लास्टिक की बात है तो वो थोड़ा सा नरम है, लेकिन ठीक है भाई, ये इन्होंने जो बनाया है 1100-1200 में, और जो प्रोडक्ट मुझे 1800 के आसपास के मिले हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। सोलर है, न चार्ज करने का टेंशन न कुछ, बस इसे कहीं लॉन में या जहाँ भी आप सही समझते हैं वहाँ पर ले जाकर इसे आप लगा देंगे। आपको थोड़ी सी इसकी रोशनी दिखाते हैं, ये देखिए जब ऊपर से बंद करेंगे यानी जब रोशनी नहीं मिलेगी तो ये इस तरीके का जलता रहेगा, और दूसरी तरफ ये भी ऐसे जलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा जलता हुआ आपको दिख रहा होगा।
तो अब हम इसे सबसे पहले चार्ज में लगा देते हैं, धूप में ले जाकर रख देते हैं और फिर इसको शाम को आपको दिखाते हैं कि ये कैसी जलती है और कैसी परफॉर्मेंस देती है। में सूरज नहीं है यहाँ पे, पूरा यहीं पे सूरज है, यहाँ पे पूरा बादल दिख रहा है। तो हम बादल के इस मौसम में अपनी इस लाइट को यहाँ पे और वहाँ पे चार्ज में लगा देते हैं अपने छत पे। अब शाम को फिर हम निकालेंगे इसे, क्योंकि अभी तो ऑफ कर दिया है, और शाम को हम फिर देखकर बताएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि ये कैसा काम कर रहा है। अभी वक्त हो रहा है दिन के 9:48। अभी शाम के 5:35 हो चुके हैं, तो एक बार हम फिर चलते हैं छत पे और देखते हैं कि क्या अपना जो लैम्प है वो क्या हाल में है। तो अभी तो ये सूरज लगभग लगभग डूब चुका है, मीन्स पूरा नहीं डूबा, दिख नहीं रहा आसमान पे, लेकिन ये जो है ना अभी रोशनी से ज़्यादा सेंसिटिव है, इस वजह से अभी ये अपना चल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हम इसे अब नीचे लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब ये चार्ज हो सकता है, तो इसे नीचे लेकर चलते हैं फिर रात को टेस्ट करते हैं। और हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर शाम थोड़ा जल्दी होती है, तो इस वजह से अंधेरा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा लगता है। या यही है हमारा, देखने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है वाकई में। इसमें रोशनी तो उतनी ज़्यादा नहीं है जितना मींस प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन ये है कि वो उस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है कि मशाल के टाइप का। आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं अपने लॉन में या छत के ऊपर, 3-4 पीस खरीद के काफ़ी बढ़िया लगेगा, क्योंकि ना तो आपको लाइट की चिंता इसके साथ है, ना तो किसी भी तरीके की किसी एक्सटर्नल एनर्जी की चिंता है। बस आप छत पे लगा दीजिए, अपने आप रात होगी, दिन होगा, रात को जल जाएगा, दिन में सूर्य से चार्ज होगा, फिर बुझ जाएगा। इस तरीके से इसका प्रोसेस चलता रहेगा। बढ़िया लग रहा है, रात को रोशनी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन भले ही रोशनी नहीं है फिर भी ये जो है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है देखने पे। आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कोई फ्लेम के जैसा, जैसे मशाल जलती उस तरीके से इसके फेड्स लग रहे हैं। और कैमरे पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट की वजह से ये उस क्वालिटी का नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए तो ऑफलाइन मतलब सामने से देखने पे, रियल देखने पे ये ज़्यादा ज़बरदस्त और प्यारा लग रहा है। एक सोलर लाइट से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, बैकअप का टेंशन हो सकता है, पर इन्होंने 1200 mAh की बैटरी का क्लेम किया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि इसका बैकअप ठीक ठाक रहे। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन में ठीक है, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि हम इसे रेगुलर यूज़ करेंगे और एक लॉन्ग टर्म में आपको अपडेट देते रहेंगे यहाँ के कमेंट में। तो लेने से पहले अगर कोई स्पेशल नोटिस होगी तो आप कमेंट में देख लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि सर ये लेने लायक है या नहीं है। मेन बैटरी का इसके साथ मैटर है, बाकी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये काफ़ी बढ़िया और बहुत ही हाई क्वालिटी की लग रही है। ये दोनों लाइट एक साथ आप देखिए, अभी बज रहे हैं रात के 8:31 और ठीक है, बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी 10:25 है, और टू बी ऑनेस्ट कोई भी फर्क नहीं पड़ा है इसके पावर में, यानी कि जिस तरीके से ये रोशनी कर रहा था थोड़ा भी लाइट डाउन नहीं हुई है, और 4 घंटे के आसपास ये जल रहा है। तो 4 घंटे में अगर कोई रोशनी डाउन नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे हिसाब से अभी के लिए ये ओके हो गया, मींस पास हो गया है। तो दोस्तों अभी हो चुके हैं, रात के 12:10 और ये पूरी तरीके से जिस तरीके से इसको चलना चाहिए वो चल रहा है, कोई भी इस पे प्रॉब्लम, कोई भी डिफेक्ट नहीं आ रहा है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आ रही है, जागते रहेंगे तो आगे का वीडियो भी इसमें जोड़कर बनाएंगे। और इसका आप क्या कह सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये। कोई भी प्रोडक्ट अगर इस तरीके से बिहेव करता है तो वो दिल खुश हो जाता है, मीन्स आप एक बार पैसे लगाइए और इस तरीके से आपको आउटपुट मिले तो वाकई में ये काबिले तारीफ है, और ये है उस लायक है ये चीज़, आप इसकी तारीफ कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों की कोई टेंशन नहीं है, बस यही है कि ये बैटरी बैकअप कितना देगा वो ज़्यादा मायने वाली चीज़ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्या गज़ब का प्रोडक्ट है। साइज़ में भी ठीक है और प्राइस में भी मुझे 1500 के आसपास में मिला है, तो वो मतलब ठीक ही था भाई, 1500 में क्या लेंगे। अब दो चीज़ ऐसी मिल गई जिसमें सोलर लगा है,
और इतना बड़ा साइज़ है और इस तरीके से, मतलब ठीक है उस तरीके से, सही है। 100-200 महंगा हो सकता है, ओवरऑल बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने इनसे एक भी पैसे नहीं लिए हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो रेगुलर कमेंट सेक्शन चेक करते रहिए, क्योंकि कोई भी नई नोटिस, कोई भी नई जानकारी या इसके बाकी जो एडिशनल रिव्यू है वो मैं कमेंट में आपको डालता रहूँगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतर से प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ, एक दिवाली के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ, एक फेस्टिवल और डिस्टिंग के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।